नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी ने सिविल सेवा के छात्रों की एक बहुत बड़ी मांग, बहुप्रतीक्षित मांग को स्वीकार कर लिया है। आपको हम बता दें कि ऑप्शन को लेकर यह सुधार किया गया है। 69वीं जो कंबाइंड सिविल सेवा की परीक्षा होने वाली है, उसमें अब प्रश्नों के 4 ही ऑप्शन होंगे। आपको बता दें कि पहले 5 ऑप्शन होते थे और इसको लेकर छात्र हमेशा से ऑब्जेक्शन करते थे। उनका यही प्रश्न था कि ऐसा देश के किसी भी सिविल सेवा के परीक्षा में नहीं किया जाता और बिहार में जो है वो 5-5 ऑप्शन रखा जाता है। पहले 5वां ऑप्शन ऐसा ऑप्शन था जिसमें 4 ऑप्शन आप कुछ भी दें, 5वां उसकी पुष्टि कर देता था, लेकिन इसके बावजूद भी केस मुकदमे होते थे। वही आपको बता दें कि आयोग के अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद, जिन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, उन्होंने लिखा है कि जो इंटीग्रेटेड 69वीं सिविल सेवा की परीक्षा है, वहां पर अब 4 ऑप्शन होंगे और 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। यानी कि अगर आप गलत जवाब देते हैं तो 1/3 यानी कि 33 नंबर आपका कट जाएगा। कहने का मतलब है कि अब बीपीएससी जो है आपको 4 ही ऑप्शन देगा। आपको बताते चले कि 2017 में जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी फरवरी में, उसमें छात्रों को परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। तो 5 ऑप्शन दिया गया था। 5 ऑप्शन का कारण यह था कि बीपीएससी के द्वारा 150 सही प्रश्न सेट नहीं किए जाते थे और प्रश्न या उत्तर गलत होने के कारण छात्र कोर्ट चले जाते थे और कोर्ट में जाने के बाद जो है बहुत सारे क्वेश्चन को हटाना पड़ता था। बीपीएससी की काफी किरकिरी होती थी, इसलिए बीपीएससी ने एक 5वां ऑप्शन ईजाद किया था और यह ऐसा ऑप्शन था कि आप बाकी 4 ऑप्शन कुछ भी दे, प्रश्न कुछ भी रहे, 5वां ऑप्शन उसकी पुष्टि कर देता था कि हाँ जो दिया गया है ऑप्शन आंसर वो सही है। आपको बता दें कि इस पर छात्र हमेशा से उंगली उठाते रहे, धरना प्रदर्शन भी चला। उनकी मांगों में एक महत्वपूर्ण मांग यह भी थी कि 5वां ऑप्शन हटाया जाए। और आपको बता दें कि बीपीएससी के नए अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी आए तो उन्होंने 5वें ऑप्शन का स्वरूप बदल दिया। जो 3 एक्टिव ऑप्शन होते थे और बाकी 2 जो ऐसे हुए कि 5वें ऑप्शन को तोड़ को 2 भाग में कर दिया गया। लेकिन छात्रों की लगातार मांग थी जिसे पूरा किया है अतुल प्रसाद जी ने। 5वां ऑप्शन अब बीपीएससी से हट गया है, 4 ही ऑप्शन होंगे और 69वीं जो सिविल सेवा की कंबाइंड परीक्षा होने वाली है उसमें 4 ही ऑप्शन दिए जाएंगे। और साथ साथ बता दें कि 1/3 जो है निगेटिव काटा जाएगा, यानी कि आप गलत जवाब देते हैं तो 1/3 नंबर आपके काटे जाएंगे। ऐसी जानकारी जो है आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट करके दी है। तो सराहनीय कदम है और छात्र जो है पिछले 6 सालों से इस ऑप्शन 5 को हटाने की मांग कर रहे थे। हर एक परीक्षा के दौरान उनका यही मांग था कि ऑप्शन 5वां ऑप्शन को हटाया जाए, ये सही नहीं है और इसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। और अब बीपीएससी के 69वीं से 4 ही ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, लेकिन निगेटिव के तौर पर 1/3 अंक आपको काटे जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।